हो रही है इमरान खान की उस तकरीर पर, जो मेरा और बुखारी साहब का ये ख्याल है कि एक ऐसे शख्स की तकरीर थी जो बेहतरी चाहता है और तो कुछ करना चाहता है, मेरे ख्याल से उसकी आज की चाहता है कि हम सब उसके साथ हो, यानी कि 22 करोड़ हाथ बड़ी बात है, एक शख्स अगर 20 करोड़ या 22 करोड़। और अच्छी बात यह है कि उसने किसी पार्टी डिवाइड की बात नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि तरीके इंसाफ के लोग मेरे साथ, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया, उसने पूरी कौम से ये कहा है, ये अच्छी बात जो है उसको कहना चाहिए भाई, ये तो कोई बात ही नहीं है। हिज अप्रोच इज पॉजिटिव एंड इफ ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग दैट ही सेड सीरियसली, आई थिंक कोई बईद नहीं है कि वो ये सब कुछ कर पाएंगे, मुझे तो उसमें कोई बात नहीं है। ख्वाहिश भी है ना हमारी और आपकी, हम तो यही चाहते हैं ना, इसलिए कि अवामुन नास के मसले कोई ना कोई तो हल करेगा, नहीं एक और कोई ना कोई मसीहा तो आएगा। हम आप उस उम्र में आ रहे हैं जहां हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे और बच्चों के बच्चों को क्या देके जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर हमारी किस्मत में एक ऐसा पाकिस्तान था जहां मसाइल थे, जहां मुश्किलात थी, जहां इक्वलिटी नहीं थी, जहां सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, यकसम मौके नहीं थे, मेरे बच्चों को, हमारी अगली जनरेशन हमारे बच्चों को तो ये मौके मिल जाए, ये हमारी ख्वाहिश है। और ये मेरे अपने लिए नहीं है, सबके लिए है, हम से मुराद होती है हम सब, ये है हमारी ख्वाहिश, इसी की कोशिश करते हैं, इसी की बात करते हैं, इसी के लिए आज खुश हैं कि खान साहब ने हम सबको अपने साथ शरीक किया है। हुकूमत अगर अवाम को साथ लेकर चलती है और अवाम अगर हुकूमत के साथ हो जाते हैं तो ये ताकत है, इससे बड़ी ताकत क्या होगी, ये बड़ी बात है, ताकत बना रहे हैं कौम को, ये है खर्चा। अब इस पर मेरी ख्वाहिश है, बताइए आप कि इसको कौन रोकना चाहेगा। नहीं नहीं, कोई भी सेन आदमी जो है वो अगर ये समझ रहा हो कि ये आदमी ठीक ईमानदारी से बात कर रहा है, ये आदमी वाकई तब्दीली लाना चाहता है, इस आदमी ने वाकई मेहनत की है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए हाथ बढ़ाने में ना तो ये कि खराबी कोई नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ एक तरह से ये नेशनल सर्विस है कि अगर हमारे कंट्रीब्यूशन से, अगर हमारी शमूलियत से ये मिशन, ये प्लान